क्या होता है कि हाथी होता है, हाथी उसकी अंतिम यात्रा पूरी हो जाती है, वो ऊपर पहुंच जाता है यमलोक में। वहां पे चित्रगुप्त उसका अकाउंट खोलता है और बोलता है, यार तू तो यार कितना बढ़िया काम करके आया, तेरे को जो मांगे देने को तैयार हूँ, तेरे को स्वर्ग में जाना है कि कहाँ जाना है? वो बोला है, मेरे को कोई स्वर्ग में नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना, मैं एक मारवाड़ी के यहाँ काम करता था, तो उस मारवाड़ी के यहाँ मेरे को वापिस लगा दो, भले उसका लड़का बना के लगाओ, उसकी औरत बना के लगाओ, पर लगाओ उस मारवाड़ी के साथ। बोला ऐसा क्या है? बोले हमारे यहाँ तो कई मारवाड़ी आए। बोले सब मरे हुए मारवाड़ी आया, कोई जिंदा मारवाड़ी तुम्हारे यहाँ अभी तक? वो तुमको कमाल कर देगा। बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले सेठ मैं यहाँ रहा हुआ ना, आपको अगर जिंदा मारवाड़ी का शक्ल देखना है ना तो फिर लेके आओ। तो यमराज बोले यार देखा जाए कैसा है। तो चार यमदूतों को बोला कि नीचे जाओ, कौन मारवाड़ी मिलता है उसको तू उठा के ला। अब वो इधर आए, अब मारवाड़ी ये सारा सोता है ना तो भी वो बही और पेन वगैरह सब साथ में लेके सोता है। वो सोया और जैसे ही वो चारों ने देवदूतों ने उठाया, ये बोला यार ये लोग बादल बादल में कहाँ लेके जा रहे मेरे को। बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम तो यमदूत हो। तो बोले यमदूत हो, मैं जिंदा हूँ, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? बोले पहली बार जिंदा मारवाड़ी को पकड़ने के लाने का बोला है। कमाल हो गया। अब ये देखा साला, ये तो अपने लफड़े वाला काम, नीचे देखा था 1000 फुट नीचे, ऊपर भी बोला अभी तक बचने का कोई चांस नहीं है। उसने क्या किया, वो किताब है ना उसमें से एक पन्ना फाड़ा और एक ऑर्डर लिख दिया उसके अंदर और जेब में, और पहुंचा यमलोक। तो वो यमराज जी बैठे थे सिंहासन पे, बोला मारवाड़ी को लाओ। तो मारवाड़ी बोला ऐसा नहीं, अभी यमराज को बोलो मेरे को लेने आवे। तो यमराज बोले ऐसा क्या है? तो उसने वो ऑर्डर बताया कि आज से तुम सिंहासन खाली करो, आज से इसका राजा माये मारवाड़ी है। और नीचे सिग्नेचर किया हुआ है भगवान विष्णु। अरे बोले यार भगवान विष्णु का साइन है, वो तो सीधा आदमी यमराज ने कभी देखा नहीं है लफड़ा लोचा। बोला ठीक है भाई, आज से तुम इसका मालिक। और वो आगे बाहर। अब ये मारवाड़ी सोचा कि यार अपने ऐसा कोई दान पुण्य लाइफ में, सब साला इनकमिंग कॉल ही रहा है, आउट गोइंग कॉल कर रहा है, तो आज से दान पुण्य चालू। इसने चित्रगुप्त को बुला के तुम्हारे यहाँ क्या सिस्टम है? बोले जो पाप करते हैं उसको नरक में डालते हैं, जो अच्छा काम करते हैं स्वर्ग में। बोले सब छोड़ो यार, नरक का दरवाजा कर दो बंद, जो भी आता है उसको स्वर्ग में लो। सब पूरी मिलिट्री, अब जो भी पब्लिक आ रही है अप्सराएं परेशान, कोई बोले पिज्जा लाओ, कोई बोले बर्गर लाओ, हला ये क्या लफड़ा है? कमाल यार। अरे वो अप्सराएं सब परेशान हो गई। उसको फोन किया, अभी बोले ये तो हालत खराब है। अब ये देवलोक में सब जगह कि यार नरक के तो दरवाजे बंद कर दिए, ये कोई मारवाड़ी आया जो सब पूरा पूरा। भगवान विष्णु के पास बात पहुंची कि भैया वो कोई मारवाड़ी है तुम्हारा ऐसा ऐसा। बोले यार ऐसा कोई, ये क्या है? भगवान को आया गुस्सा कि चलो मैं देखता हूँ। वो आते आए तो देखा कि वो यमराज जी बाहर बैठे गेट के। अरे तुम बाहर क्या, तुमको तो मालिक बनाया था। बोले कहाँ मालिक, आप ही का तो ऑर्डर है, ये देखो ऑर्डर, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मालिक मारवाड़ी है। बोले यार ये तो मैंने नहीं किया, वो मारवाड़ी दूर से देखा, वो दौड़ते हुए आया। बोले प्रभु ये सब मैंने आपके दर्शन करने के लिए किया और मेरा कोई। बोले यार तेरे को मान गए मारवाड़ी, तू साला हमको भी प्रावेशन था, हमको भी तू। बोले तुमको किसने बोला यमराज के इसको इधर जिंदा लाने के लिए? बोले तो ये तो जिंदा 100 के बराबर है, तो तेरे को हाथी पहले ही बोला था ना, वो मारवाड़ी को हाथ जोड़ा, बोला इसको वापस इसको वही छोड़ के आओ। तो ये मारवाड़ी बड़ी कमाल की चीज है बॉस, थैंक यू।